का सबसे बड़ा घाट जेपी सेतु घाट। पटना का सबसे फेमस घाट अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने मन को अहंकार क्रोध रहित बनाना है, अपने मन को प्योर करना है, इस उद्देश्य के साथ आपको छठ पूजा करना है। अंडरग्राउंड पुल को पार करेंगे तो रहने की व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए। और दीघा मीनार घाट के जस्ट बगल में जेपी सेतु पश्चिमी घाट है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर बिहार के महापर्व छठ पूजा की बहुत अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम पटना में हैं और सभी पटना वासियों के पैर छुके प्रणाम करें थी। छठी मैया आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, आपकी संकल्प सिद्धि हो, यही भगवान भास्कर से छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों बिहार का महापर्व छठ पूजा आते ही यहाँ पर एक ऐसा वातावरण उपस्थित होता है बिहार में, और वातावरण में ऐसा सुगंध भर उठता है, छठ गीतों की ऐसी अद्भुत मिठास होती है कि बिहारी कहीं भी हो देश के कोने कोने से विदेश से भी खींचे हुए चले आते हैं पर्व मनाने के लिए, पर्व में पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे तो भारत त्योहारों का देश है, अलग अलग संस्कृति धर्म परंपरा को मानने वाले लोग सालों भर कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं, और जो त्यौहार होते हैं ना, खुद को भगवान से जोड़ने का, खुद को प्रकृति से जोड़ने का और स्वयं को स्वयं से जोड़ने का अद्भुत प्रोसेस होता है ए फेस्टिवल, ए पर्व त्यौहार। और उनमें से है बिहार का महापर्व छठ पूजा, जो हर साल हम लोग कार्तिक मास में मनाते हैं। और छठ पूजा की जो रूट है, जो शुरुआत है, वो वैदिक काल से शुरू होती है। वेद में भी छठ पूजा सूर्योपासना का जिक्र है। रामायण और महाभारत काल में ये प्रक्रिया थी, सूर्योपासना की पद्धति थी, उसी चीज़ को आज बिहारी फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही कठिन व्रत है, पूरे 4 दिनों तक व्रत चलता है, नहाए खाए से लेकर के सूर्योपासना में जो हम अर्घ देते हैं। तो सारी जो छठ पूजा का प्रोसेस बिहार में होता है, कैसे मनाया जाता है, कितनी भीड़ होती है, कितना उमंग, कितना उत्साह होता है, भारत दर्शन ब्लॉग पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं, आज से शुरू करके आपको दिखाने वाले हैं। ये शिवा घाट है और यहाँ पर जगह जगह पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पर घेरा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर चारों तरफ लाइटिंग्स की व्यवस्था की गई है, बड़ी बड़ी वेपर लाइट्स लगाए गए हैं, चारों तरफ उजाला होगा रात के समय जब आप ये लोग यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर देखिए बांसों की बैरिकेडिंग बनाई गई है छठ व्रतियों के स्नान करने के लिए, ताकि गहरे पानी में कोई ना जाने पाए। और ये देखिए दीघा पाटी पुल, पटना नगर निगम, पटना का सबसे फेमस घाट अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो टावर है, लाइट वाले टावर है, और रेड वाला जो टावर आप देख रहे हैं जिस पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। तो अभी दीघा पाटी पुल पर आए हम, कुछ लोगों से बात करेंगे। तो सर ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से इलाके के लोग छठ पूजा करने के लिए आते हैं जो नज़दीक पड़ता है? राजापुर, मैनपुरा, दीघा, पुरजी, और माठा, ये सब एरिया इधर इस इलाका के लिए नज़दीक। अच्छा, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, ये आज क्या होता है? आज तो अभी नहाए खाए कल है, तो आज क्या आप लोग किस लिए आए? आज गंगा जल लेके सब लोग, अभी सामान सामग्री है पूजा का, तो शुद्धता साथ धो धा के कल से नहा खाए के साथ पर्व का शुरुआत हो जाता है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिहार का सबसे फेमस दीघा पाटी पुल, और यहाँ पर इस साल बहुत जबरदस्त व्यवस्था की गई है सरकार के तरफ से। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, चाहे वो बैरिकेडिंग हो, चाहे टावर हो, चाहे साफ सफाई हो, हर तरह से यहाँ पर बेहतरीन व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि अस्थाई टेंट भी लगाए गए हैं जो कि दूर से आए उनके रहने के लिए, तो अस्थाई टेंट भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे आप यहाँ पर अंडरग्राउंड पुल को पार करेंगे तो रहने की व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए। और देखिए खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाए गए हैं। बड़ा सा टेंट बन रहा है छठ व्रतियों के, श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है।
बाबा क्या बताना चाहेंगे इस बार छठ पूजा की तैयारी को लेकर, जिस तरह से व्यवस्था की गई है दीघा घाट पर पटना में? प्रशासन के द्वारा तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर अभी साफ सफाई का जो हुआ है काम, ये बहुत अच्छा हुआ है। प्रशासन के द्वारा छठ में पूजा में जो काफी भीड़ यहाँ दीघा घाट पर आती है, उसके मद्देनजर देखते हुए प्रशासन बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। तो इस बार मतलब कितना भीड़ आने की संभावना है? अरे भीड़ बहुत काफी यहाँ पर आता है, हम तो 2-3 साल से देखे हैं कि कम से कम नहीं कुछ भी तो समझे कि 1-2 लाख आदमी तो जरूर आते हैं यहाँ घाट। क्या लेकर आए हो? कान्हा जी। कान्हा जी को लेकर आए हो? हाँ। तो इन छठ पूजा इनको भी कराना है? हाँ। वाह क्या बात है। और दीघा पाटी पुल से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे दीघा मीनार घाट, और यहाँ पर आप देखिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए टेंट लगाए गए हैं, यहाँ पर वॉच टावर बनाए गए हैं लाइट्स के लिए, और रेड वाला वॉच टावर आप देख रहे हैं, यहाँ से पुलिस कर्मी सुरक्षा का जायजा लेंगे ऊपर से। और ये देखिए महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए ये रूम यहाँ पर, और दीघा मीनार घाट के जस्ट बगल में जेपी सेतु पश्चिमी घाट है, ये छोटा सा घाट है, यहाँ पर भी आप अर्घ देने के लिए आ सकते हैं। और ये जो पुल आप देख रहे हैं पुल के थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पर भी व्यवस्था चकाचक है। आज ना हम लोग बर्तन धोने आए हैं। अच्छा कल के लिए? हाँ तो क्या क्या मतलब गेहूँ भी धो लिए, बर्तन भी धो रहा है कल के लिए। तो ये गंगा जल का ज्यादा महत्व होता है? हाँ, हाँ। कल गंगा ही जल का काम है भैया, तो कल गंगा जल जाएगा तब ना पूजा होगा, प्रसाद बनेगा, इसीलिए हम लोग गंगा जल लेने के लिए आए हैं। बर्तन भी धो लिए, गेहूँ भी धो लिए, सब धो लिए। तो इस बार क्या कहना चाहेंगे, इस बार किस तरह की व्यवस्था है पटना छठ घाट? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, प्रवचन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा पर नहीं जाना। आप लोग कहाँ से आए हैं पटना में? कहाँ से? कुजी मोड़ से। कुजी मोड़ से। तो कौन कौन सा इलाका है जहाँ पर यहाँ पर छठ पूजा करने के लिए लोग आए नजदीक में? कुजी मोड़ पर के मोड़े पर रहेंगे, पुल पर के पुले पर घाट जाएंगे, दिग्गा के दिग्गा आएगा। अच्छा सब एरिया एरिया बटा हुआ है? हाँ एरिया बटा हुआ है। अच्छा सब व्यवस्था है यहाँ से। अच्छा दीघा घाट और पश्चिमी घाट से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, ये पुल सामने आप देख रहे हैं, और ये देखिए पटना का सबसे बड़ा घाट जेपी सेतु घाट, यहाँ पर बहुत जबरदस्त व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। और ये जो है जेपी सेतु पुल के जस्ट नीचे से शुरू होता है पटना का ये जेपी सेतु छठ घाट। आई लव चकाचक पटना, वाह। जेपी सेतु घाट पटना नगर निगम, और देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग बनाई गई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप में स्नान कर सकें, भगवान भास्कर को अर्घ दे सकें। ये देखिए यही व्यवस्था है जेपी सेतु घाट पर, और यहाँ पर देखिए शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, शौचालय बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं पटना का सबसे सुरक्षित घाट, यहाँ पर जेपी सेतु घाट, और घाट नंबर 88 हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर भी देखिए व्यवस्था चकाचक है, लाइटिंग्स की व्यवस्था है, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है, पूरा समतल बनाया गया है घाट को, और पानी में यहाँ पर आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा गंगा जी में स्नान करने के लिए। और अभी हम आपको लास्ट पॉइंट दिखा रहे हैं जेपी सेतु घाट का, और अभी अपनी यात्रा को यहाँ पर फिनिश करते हुए कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं कि जो छठ पूजा है इसमें स्वच्छता का बड़ा ख्याल रखा जाता है,
चाहे खान पान की स्वच्छता हो या फिर कपड़ों की स्वच्छता हो या फिर बॉडी की स्वच्छता हो या प्रसाद की स्वच्छता हो, अच्छी बात है। शुद्धता और स्वच्छता का त्यौहार छठ पूजा है भी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मन की पवित्रता है इसका भी आपको ख्याल रखना है कि हमारा जो मन पवित्र होगा तो हमारे मन में जो कपट है, द्वेष है, घृणा है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, ये जब मिटेंगे तब जीवन में परमानेंट सुख शांति आएगी। तो आपका उद्देश्य ये बनाना है कि जब आप छठ पूजा करने जाएं, जो चार दिन का व्रत करें, आप तप करें, तो इसी सोच के साथ करें कि हमको अपने मन को कपट रहित बनाना है, अपने मन को अहंकार क्रोध रहित बनाना है, अपने मन को प्योर करना है, इस उद्देश्य के साथ आपको छठ पूजा करना है। और छोटे छोटे चीजें हैं, पुत्र मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो यूं ही मिल जाएगा, वो तो भगवान भास्कर सब देख रहा है, लेकिन आपको उद्देश्य बड़ा रखना है। हम भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं, प्योर माइंड के साथ हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में भी सुख शांति है, आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आए, इसी सोच के साथ ये जो दीघा घाट का हमने वीडियो आपको दिखाया, यहाँ यात्रा की, हो सकता है आपको ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।